हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिलकानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखा रही हूँ यहाँ पे सब्जियाँ धोना। जैसे मैं सब्जियाँ धोती हूँ, कोरोना के चलते हमें बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है हर चीज़ का। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सब्जियाँ किस तरीके से धो के रखती हूँ, जो भी मैं सब्जियाँ बाहर से लेके आती हूँ, सब्जियाँ और फ्रूट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना, ये मेरा सिंक है, इसमें मैंने पानी भरा हुआ है और इसमें मैंने डाला है इसमें कुछ, ये जो लिक्विड हैंड वॉश है ये डाल दिया है मैंने इसमें, और इसमें मैंने डाला है डिश वॉशर। जो भी डिश वॉशर आपके पास हो वो आप इसमें डाल दें और उसको आप पानी इसमें भर दें। एक बार आप सारी सब्जियों को इस पानी में अच्छे से इसको आप मिक्स कर लें, और जो भी सब्जियां आप इसमें, जो भी सब्जियां आप लेके आए हो, आप उस तरीके से इनको अच्छी तरह से इसमें धो लें। पहले आप एक बार अच्छे से इस साबुन वाले पानी में बहुत अच्छी तरह से आप इनको धो लें। जैसे इस तरीके से मैंने ये धो के ऐसे निकाल ली है यहाँ पर इस तरह से। मटर और बीन्स हैं, अभी इकट्ठी हैं, बाद में मैं इनको अच्छे से निकालूंगी। तो इस तरह से आप इनको धो लें। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने एक बार ये सारी सब्जियां, जो भी यहाँ पे मैंने ये आलू लिए हैं, ये भी मैंने इसी तरीके से यहाँ पर सारे आलू जो हैं इस तरह से साबुन वाले पानी से पहले एक बार धो लिए हैं। और ये प्याज हैं, प्याज भी मैंने इसी तरह से सारे जो हैं साबुन वाले पानी में बहुत अच्छी तरह से इनको मैंने धो लिया है। आपके पास जो भी साबुन हो आप उसको इसमें डाल सकते हैं। और एक बार इनको धो लिया है, इसी तरीके से खीरे और बाकी सब्जियां भी धो ली हैं। अब मैं ये पानी सारा निकाल दूंगी, जो पानी ये साबुन वाला पानी है इसको निकाल दूंगी, और अब मैं साफ पानी से इन सब्जियों को धो के अच्छी तरह से रखूंगी। फ्रेंड्स, इस तरह की आप कोई भी जाली या कोई भी टोकरी जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं, वो आप लीजिए। और जो भी सब्जी आप अभी इसको साफ पानी में जब हम धोएंगे तो इस तरह की टोकरी में इनको हम रखेंगे। जैसे अब टमाटर हैं, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से हम इनको धोएंगे, और ये देखिए ऐसे कितने अच्छे से साफ हो गए, और इनको इस तरह से ऐसे टोकरी में रखते जाएंगे। फ्रेंड्स, आपके सिंक में पानी रोकने वाला सिस्टम नहीं है तो आप बाल्टी का यूज़ भी कर सकते हैं, या किसी पतीले वगैरह का या टब का यूज़ भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मटर और बीन्स हैं, इनको मैंने पहले साबुन वाले पानी से धो लिया था। अब मैं इनको यहाँ पे इस तरीके से इनको भी अच्छी तरह से साफ पानी से अच्छे से धो लूँगी, और इनको एक साइड पे ऐसे रख दूँगी, क्योंकि मुझे ये मटर और बीन्स अलग अलग करने हैं। तो पहले इनको थोड़ा धो के ऐसे रख दूंगी, फिर उसके बाद में इनको अलग अलग कर लूंगी। और इन सब्जियों को हम उसके बाद 2-3 घंटे के लिए से अच्छी तरह से निचोड़ने के लिए छोड़ देंगे। और जो मैंने प्याज वगैरह धोई है उनको मैं पानी निचोड़ने के बाद अच्छी तरह से धूप लगवा लूंगी, ताकि वो अच्छे से सूख जाए, नहीं तो प्याज वगैरह सड़ सकती है ऐसे पानी लगने से। तो आप भी इस तरीके से करें, जब भी प्याज को धोएं तो उनको बाद में धूप में ज़रूर रखें। अब इसी तरह से फ्रेंड्स, जो प्याज है उसको भी हम अच्छे से ऐसे धो लेंगे, क्योंकि पहले साबुन वाले पानी से धोया था, अब इसको साफ पानी से धो के। अब फ्रेंड्स, जो आलू हैं इनको मैं सारे सबको यहाँ पे ऐसे उतारूंगी, और इनको भी अच्छी तरह से धो के साफ पानी से अब धो के रख दूंगी। अब फ्रेंड्स, जो भी मैं राशन लेके आई हूँ नीचे से, दूध वगैरह जो भी लेके आई हूँ, उसको भी मैं उसी तरीके से वॉश करूँगी। ये मैं लिक्विड डाल रही हूँ इसमें, और ये दूध का थैला है, इसमें दूध के पैकेट हैं, दूध और दही के, उनको भी। हम बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि पैकेट में भी पता नहीं कैसे हाथ लगे होंगे या कैसा होगा, तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से धोएंगे, ताकि इनमें कुछ भी ना रहे।
बाद साफ पानी से फ्रेंड्स और चीजें लाई हैं उनको भी हम ऐसे ही करेंगे। जैसे ये चिप्स के पैकेट हैं, अब एक बार लास्ट में अपने हाथ भी अच्छी तरीके से धोलेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये सारी सब्जियां जो है इस तरीके से सारी धो ली, और ये मटर और बीन्स भी अलग अलग कर दिए, प्याज भी इस तरीके से रख दिया। अब ये सारी जब अच्छे से इनका पानी जो है वो निचुड़ जाएगा उसके बाद में इनको फिर फ्रिज में रखूँगी, और जो सब्जियां जैसे प्याज है उसको अच्छे से धूप में रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए, नहीं तो प्याज जो है उसमें पानी लग जाए तो वो सड़ जाता है। और ये मैंने इस तरीके से अच्छे से धो लिया, और उसके बाद अपना सिंक भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लें, और इसी तरीके से आप भी अपनी सब्जियों को धो के लें फ्रेंड्स, ताकि कोई बीमारी ना आए, कोई भी उसका वायरस घर में ना आए, बीमारी का वायरस घर में ना आए, कोरोना का वायरस, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। तो आप अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए और घर में रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।